सरकार द्वारा आपातकाल स्थिति में आमजन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विगत 10 वर्ष पूर्व शुरू की गई 108 एम्बुलेंस गाड़ियों की स्थिति अब दयनीय हो चुकी है। हालात यह हो चुका है कि किसी मरीज को आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने के लिए जाते समय बीच राह में खुद 108 एम्बुलेंस खराब हो जाती है, तो कई बार दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस को फोन करने पर पता चलता है कि 108 एम्बुलेंस खराब पड़ा हुआ है। कई बार ऐसी स्थितियों का सामना मरीजों को करना पड़ता है जो कि इस सेवा के लिए बहुत शोचनीय विषय है। जानकारों के अनुसार इतने समय में कोई भी वाहन कंडम स्थिति में पहुंच जाता है, पर गंभीर विषय यह है कि आपातकाल जैसी सेवा के लिए ऐसे कंडम वाहन को रखा ही क्यों गया है। एम्बुलेंस की बदहाली की वजह से क्षेत्र के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीती सोमवार की रात चैनपुर के रामपुर मोड़ के पास थाना क्षेत्र के भटौली निवासी एक युवक का मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसे गंभीर चोट आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आनंद फानंद में उसे चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मगर 108 एम्बुलेंस खराब होने के कारण मरीज को गुमला ले जाने में भारी परेशानी झेलनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद देर रात निजी वाहन बुक कराकर मरीज को गुमला सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेजा जा सका। इधर 108 एम्बुलेंस की बदहाली पर लोगों ने खासा नाराजगी व्यक्त की है। किया एम्बुलेंस को तो यही बतलाया गया कि यहाँ गाड़ी खराब है, और जैसे देखा जा रहा है कि जब कभी भी आप देखिए कॉल किया जाए तो एम्बुलेंस में खराबी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो चैनपुर 108 है बस यही एक ही गाड़ी है जो कि तीनों ब्लॉक को कवर कर रही है, जो कि यहाँ निहायत ज़रूरी है, और एक एम्बुलेंस की जो कि यहाँ नहीं दिया जा रहा है। और अगर यही स्थिति रहेगी तो पेशेंट दुर्घटनाग्रस्त हो करके भी वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा अगर हमें एम्बुलेंस नहीं दिया जाएगा। मैडम कौन कौन प्रखंड यहाँ पे जो है इसको नहीं? जारी, चैनपुर, डुमरी तीनों प्रखंड को एक गाड़ी कवर करती है, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पे एम्बुलेंस को लेकर के यही देखा जा रहा है कि यहाँ और एम्बुलेंस दिया जाए, ताकि यहाँ जो भी एक्सीडेंटल केस आता है वो सुरक्षित बच जाए, हॉस्पिटल तक पहुंचे और उसका इलाज हो पाए। एम्बुलेंस में यही परेशानी है कि ये ज़्यादा एरिया कवर करने की वजह से कभी इसमें लाइट खराब हो जा रही है, तो कभी इंजन खराब है, कभी ब्रेक डाउन है, यही स्थिति है। यहाँ हम 2 घंटे से हम यहाँ हैं पेशेंट को लेकर के, जो कि हमें एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया, और यही कहा गया कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी ले लीजिए और उसको पहुंचाइए। पेशेंट की स्थिति गंभीर है, जो कि उसको रेफर किया जा रहा है गुमला के लिए। बहुत ज़्यादा पिया हुआ है और हेड इंजरी है, इसलिए अभी काफ़ी वैसे क्लियर पता नहीं चला। सारा वाइटल्स तो अभी नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग या इंटरनल इंजरी होगा, इसलिए पेशेंट उतना बता नहीं पा रहा है खुद से, इसलिए यहाँ पे प्राथमिक इलाज करके उसको सदर रेफर कर दे रहे हैं। क्या नाम? डॉक्टर दीपशिखा टिंडो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।